जिंदा रहो। आज हम 34वां पाठ शुरू करते हैं। 33 पाठ गए दफा पूरे हुए। गुरु सदरदीन मामा ने फरमाया कि संसार जो है वो बिल्कुल सुना है। सुना कहते हैं जिसमें कोई जात की खुशी ना होवे, कोई उमंग ना होवे, ने युग अंधो। और जो युग है, युग का मतलब टाइम पीरियड है, वो अंधा है। अंधे से मतलब उसमें रोशनी नहीं, उसके अंदर नूर की शनाख्त नहीं, उसके अंदर इल्म की मारिफत नहीं, धर्म की चर्चा नहीं, धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म की लादनी नहीं, ये अंधकार है। तो फरमाते हैं कि सुनने सुन पूजाए। और जो लोग हैं वो ही सुन्नी चीज के पीछे के जिसमें कोई नूर नहीं, जिसमें कोई असलियत नहीं, जिसमें कोई सत्य नहीं, लोग भी उसके पीछे ही भागते हैं। ये तो ऐसा हुआ, एक दाखला मिसाल देते हैं कि जो पादिया ने पानू चढ़े, अगर एक ऐसा आदमी के जो पादिया है, इंग्लिश में उसको यूनख कहते हैं, कभी उसको जो पानू चढ़े तो फरमाया कि ऐसे जीवों को अमर मुक्ति मिल सके। उसका मतलब ये है कि पाविये को पानो चढ़ने वाला नहीं, और ये जो अमर पाने वाले नहीं। सुन पूजाए खट दर्शन तो सुन पूजाए, सत पंथ धर्म को मरम न पाए। जिधर हजर ईमान की ज्योत नहीं वो सब जगह सुन है। एक श्लोक के अंदर शमस माँ बाप फरमाते हैं कि सतगुरु कह रहे हैं 68 तीर्थ में ढूंढ कर देखिया। हिंदुस्तान में हिंदुओं के 68 तीर्थ हैं, 68। तो फरमाया मैं तपास करने के लिए निकला कि ये तीर्थों में इतने लाखों लोग जाते हैं, तो देखूं तो सही उधर है क्या। तो कहा किया पाना, किया पान, किधर पत्थर है किधर पानी है। ए उजड़ घर ना रोन ला, ए कैसा पावे मान रे भाई, कैसा पावे मान। एक आदमी का घर उजाड़ है, उसमें कोई रहता ही नहीं, ना कोई झाड़ू देता है, ना बत्ती जलती है, कोई आदमी अपनी कोई सामान लेके, कोई सूटकेस लेके उधर मेहमान आवे तो प्रणला कहते हैं मेहमान को, गेस्ट को प्रणला कहते हैं, तो उसको मान कौन दे दे, खिलावे पिलावे कौन। इसी तरह से ये पत्थर और पानी की पूजा करने वाले ये सब शून्य है। हजर इमाम की ज्योत के सिवा बाकी सब शून्य है। तो फरमाया उनको अमर मुक्ति मिलने वाली नहीं। ज्ञानों में इतनी समझदारी और अकल की बातें हैं, ऐसे ऐसे दलील दाखले गुरुपीरों ने हमें दिए हैं कि कभी हम ध्यान से इन चीजों को याद करें तो हमारा इलम, हमारी सोच विचार की शक्ति बहुत बढ़ जाए। इसके अंदर ये मोती का बहुत अच्छी मिसाल दी है पीर ने, फरमाया सांच झूठ का पटोंतरा। पटोंतरा कहते हैं सरखामनी, भाई सच झूठ की सरखामनी है। परख होते परख ना, सच्ची चीज भी है झूठी चीज भी है, और दोनों तरीकी लगती हैं। जैसे कि सच्चा हीरा और खोटे जो मोती वगैरह हीरे हैं उनके अंदर मिक्स करके रख दो तो फरमाते हैं खाली परखने वाला जो जौहरी है वही उसको परख सकता है, बाकी आम लोगों को तो पता भी नहीं लगे
यानी इलम वाला किनानी आदमी है वो सच झूठ में तफावत कर सके। फिर इतनी अच्छी दलील देते हैं, कहते हैं ये मोती भांगी होगी देता, जैसे कि मोती बिल्कुल गोल होता है और जब वो ताजा ताजा मोती निकलता है सीप में से तो उस वक्त उसको रिंग देते हैं ताकि उसके अंदर सुराख होवे, छेद होवे तो डोरी डाल के वो माला बन सके। अगर मोती में छेद ही नहीं है तो माला नहीं बन सकेगी। लेकिन अगर वो आदमी जो मोती के अंदर छेद करने जाता है कभी उसने ध्यान न किया और जो मोती टूट गया तो वो मोती बर्बाद हो गया। पर कहते हैं तेन गयो मूल आकार, उस कीमत सब मिट गई। क्या मतलब इसका? इंसान का जो मन है वो मोती की तरह है। इस मोती को इबादत और नेक अमल से रींद के हम तैयार करें कि ये माला बन के मौला के गले में जाए। लेकिन कभी तुमने रोंग तरीके से रींदना शुरू किया इस मोती को, यानी मतलब ये है कि तुम जाहिर में बंदगी करो लेकिन तुम्हारा मन पाक साफ नहीं, रींदने वाली जो सलाई है वो तुम्हारा जो ध्यान, तुम्हारी जो युक्ति है, तुम्हारी जो सुरति है, तुम्हारी जो कंसंट्रेशन है, तुम्हारी जो नीयत है, कभी वो सच्ची नहीं होगी तो ये मोती टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं। लोग हैं उसको अपने सिर के ऊपर चढ़ाओ। सिर पे चढ़ाने का मतलब उसके बोल के ऊपर अमल करो, उसकी ताबेदारी करो, उसको मान दो। ये कहे अंतर निवास कारण के वो जो है वो तुम्हारे मन की बात बोलता है। यहाँ ये इशारा है हजर इमाम और पीर की तरफ, क्योंकि वही सच्चे हैं और तो दुनिया में इस जैसा सच्चा कोई नहीं। मौला के सिवा हमारे जो गुरपीर हैं उनके सिवा कोई दुनिया में सच्चा नहीं। सब में जो सच्चाई है तो परसेंटेज के हिसाब से थोड़ी है। मौला की सरखामनी, मौला की लेवल में, मौला की बराबरी में कोई नहीं। वो अकेला है, उसको सिर पे चढ़ाओ, मतलब कि उसकी ताबेदारी करो, उसकी वफादारी फरमान बरदारी करो और जो वो कहता है सुनो, अमल करो। कारण कि वो तुम्हारे अंतर की बात कहता है, तुम्हारे भविष्य की, तुम्हारी भलाई की, तुम्हारी आखिरत की, तुम्हारी वो दुनिया की कि जो हमेशा रहने वाली है उसके लिए तुम्हें हिदायत करता है। 25 बरस की हजर इमाम की इमामत की सिल्वर जुबली हुई। गई काल आप लोगों ने हजर इमाम का तालिका मुबारक सुना, एक एक शब्द मोतियों जैसा है, लंबा तालिका है, आप सबको तो याद भी नहीं होगा। गुजराती में भी पढ़ा गया, इंग्लिश में भी पढ़ा गया, लेकिन इसके अंदर कितनी चीजें हमारे मौला ने फरमाई कि अगर तुमने दुनिया की मोह ममता माया मौज शौक के अंदर ही जीवन पसार कर दिया तो तुम्हारी आखिरत गुम हो जाएगी। वही बात इमाम फिर इधर कहते हैं जो इमाम ने फरमाई कि चाचा ने सिर चढ़ा दी है, जे कहे अंतर निवास झूठा ने कोई कुछ नहीं। जो झूठा है उसको कोई नहीं पूछेगा। ये अब आखिरत की बात करते हैं। ते न जाने शानी धात, हमारे शास्त्र के अंदर बहुत से ज्ञानों के अंदर धात का लफ्ज है, इसका मतलब असलियत, ओरिजिनलिटी। धात यानी असलियत, तो मौला की जो असलियत है यानी दिखने में आदमी की तरह लगता है, फिरता फिरता है, बोलता चलता है, आदमी जैसा लगता है लेकिन है खुदावंद आलमीन का नूर, तो ये उसकी धात है। तो उसकी जो असलियत है वो झूठे आदमियों को पता नहीं लगेगी। जो सच्चे होंगे मौला की मारिफत जानते होंगे उन्हीं को ही ये हकीकत पता लग सकेगा।
کہ مولانا حضرت امام اصلیت میں کون ہے؟ دکھنے میں بڑے آدمی ہے لیکن وہ ہے کون؟ اس کی شناخت کرو اور یہی سچائی ہے. جگ پتیت آوے جگ کو دنیا کو جھوٹے لوگ بہت پیارے ہیں. اور کیوں؟ کہ وہ جو سچے ہیں ان کو لات مارتے ہیں. لات مارنے سے مطلب ہے درکار کرتے ہیں, اس کی طرف سے منہ پھیرا لیتے ہیں. سچے آدمی کی کوئی قدر نہیں کرتا, اس کو ہلکا اور نیچا سمجھتے ہیں. جھوٹا آدمی کی واہ واہ ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں جھوٹا نے جھوٹو آوے ملے. جب یہ جھوٹے جھوٹے دنیا دار, یہاں جھوٹے سے مطلب دنیا کا پریمی, دنیا کو چاہنے والا, مال دولت کے پیچھے بھاگنے والا, جو ان ایک دوسرے کو مل جاتے ہیں تو بولے پانچ نے سات, یعنی خوب باتیں کرتے ہیں. حضرت شیخ قاضی تھے, شیخ قاضی شیراز میں تھے پیدا ہوئے. ان کا نام بھی ویسے قاضی شیرازی ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ کو بہت پیار کرتے تھے. قاضی اور حافظ دونوں مولا کے پیارے پوئٹ تھے, کبھی شیخ قاضی عبادت والے آدمی تھے, بڑے نیک تھے لیکن غریب تھے. نام بہت تھا اور کم نکلتے تھے اپنے گھر سے, تو لوگ ان کو زیادہ شکل سے پہچانتے نہیں تھے, مگر نام بڑا مشہور تھا. تو کسی بہت امیر آدمی کے گھر میں, کوئی راجا کا امیر وزیر تھا, اس کے گھر میں کوئی شادی کا پرسنگ تھا, تو شیخ شادی کو بھی آمنترن آیا, انویٹیشن. شیخ شادی نے سوچا بادشاہ کا وزیر ہے, امیر ہے, چلو. اب یہ تو غریب آدمی تھے, معمولی جو کپڑے ان کے تھے وہی کپڑے پہن کے یہ گئے. جو دروازے کے اوپر لوگ کھڑے تھے اس نے اس کو روک دیا, کیونکہ اس کی شکل کوئی امیر وزیر جیسی تو لگتی نہیں تھی, کپڑے بھی اچھے نہیں تھے. اب جب نکلے گھر چپ چاپ گھر چلے آئے, کچھ بولے نہیں. مہینہ چھ مہینے ایسا کچھ عرصہ کچھ نکل گیا. ایسے ہی امیر وزیر کا پھر ایک دفعہ آمنترن آیا, تو ایک دوست پیسے والے کے گھر گئے. اس کو کہتے ہیں یار مجھے ایک جگہ جانا ہے, لیکن تیرا مجھے جبا اور پگڑی چاہیے. وہ خوشی سے جبا پگڑی دی, ٹھاٹ پاٹ سے اتر لگا کے شیخ قاضی اتر گئے. جیسا ہی دروازے پہ پہنچا سلام کیا, آگے بٹھایا. جب یہ کھانا آیا تو جبا تو بڑا لمبا ہوتا ہے, ایسا جبا لپیٹ کے گود میں پڑا تھا. تو کھانا اٹھا اٹھا کے وہ اپنی کھوڑے میں جبے کے اوپر کھانا لگاتا رہے, کچھ کھاوے نہیں, ایسا کھانا اٹھاوے سالن کا جبے کے اوپر, یہ کپڑے خراب کر دیے. لوگ حیران دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ دیوانہ پاگل لگتا ہے. تو یہ جو گھر کا جو خاص مالک تھا, جس نے اس کو ایجن دیا تھا, آمنترن دیا تھا, اس کو بلایا تو وہ تو پہچان گیا. ارے شیخ آپ یہ کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے تم نے جس کو دعوت دی اس کو میں کھلا رہا. کیسے؟ اس نے کہا کہ تیرے فلانے بھائی نے اس دفعہ دعوت دی تھی تو میں معمولی کپڑے پہن کے گیا تھا, مجھے باہر نکال دیا. آج میں آیا ہوں ایک اچھے کپڑے پہن کے تو مجھے سلام ہونے لگا. تو یہ سلام مجھ کو نہیں ہے تو کپڑوں کے, تو دعوت کپڑوں کو ملی ہے, میں کپڑوں کو کھلا رہا. تو پھر میں تو فرماتے ہیں جھوٹے کو جب بھی جھوٹا ملتا ہے, میں اپنی بھاشا میں بولوں بدماش کو جب بدماش ملتا ہے تو خوب مزہ کرتے ہیں, خوب ٹھٹھا کرتے ہیں, مخول کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, نندا کرتے ہیں, تیری میری کرتے ہیں. لیکن کوئی سچا آدمی غریب ہے, نیک ہے, کمتی بولنے والا ہے, سچ بات منہ پہ کہہ دینے والا ہے, اس کو کوئی بلاتا نہیں. اسی طرح سے سب سے سچی ویکتی
مولانا حضر امام ہے. اس کا یہ گھٹڑا کہ یہ اللہ کا نور ہے گلے سے نہیں اترتا. ہم تو ظاہر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں, باطن کی چیز دیکھنے کی آنکھیں بھی نہیں ہیں. تو اس کے لیے پھر فرماتے ہیں جو کہ یہ چیز مومنوں کو لاگو ہوتی ہے کہ جھوٹا لیتے جگ پتی تارے. جو جھوٹے لوگ ہیں دنیا والے ان کو بہت مان تان دیتے ہیں, ان کو پیار کرتے ہیں. انہیں ساچا نے مارے لاش جو سچے ہیں ان کی طرف کوئی دیکھتا تک نہیں. جھوٹا نے جھوٹو آوی ملے تو بولے پاس ملا. بولے کچھ امیر آدمی بیٹھے ہوئے گپ گپ بڑا چلتا ہوئے, اس میں کوئی آدمی آ جاوے تو وہ ان کے ساتھ ہاں جی ہاں جی کرنے لگ جائے. ہمیں کوئی نہ بولے ست دھرم. اگر کوئی آدمی کچھ بدی برائی کر رہا ہے, آؤٹ آف وے جاتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, کچھ گناہ کی بات کر رہا ہے, تو ایسی ہمت والا کوئی بہت کوئی ایسا مشکل سے ملتا ہے کہ جو اس کو کہہ دے کہ یہ بات ٹھیک نہیں. ایسا ٹوکنے والا, دھرم کی بات کرنے والا فرمایا ہے کوئی نہیں بولتا, سچی بات کوئی نہیں بولے گا. کرے نندا نے اپنا بیچارے نیمت کرے گا, نندا کرے گا, بدگوئی کرے گا, بیک بائٹنگ کرے گا, لیکن خود وہ بیچار نہیں کرتا. تن سر ویسے کرم, ایسے لوگ جو دوسروں کی ہاں جی ہاں جی ملاتے ہیں اور سچی بات جانتے ہوئے بھی منہ کے اوپر نہیں بولتے, یا شرم کے مارے یا یہ حساب سے اس کو کھوٹا لگ جائے گا برا لگ جائے گا, تو پھر فرماتے ہیں ان کے سر کے اوپر بوجھ ہے, گناہ ہے, ان کو اس گناہ کی سزا ملے گی. قرآن شریف کے اندر بہت جگہ اللہ نے فرمان کیا ہے کہ جہاں جہاں بھی تم جاؤ نیکی کی, بھلائی کی, اچھی باتوں کی تلقین کرو, یعنی لوگوں کو سکھاؤ اور بولو. اگر کوئی بھول کرتا ہے تو کہو کہ تمہاری یہ بھول ہے, نہیں ان المنکر, اور جو نافرمانی کے کام ہیں ان سے ان کو روکو. لیکن یہ نیتک ہمت جس کو انگلش میں مورل کریج کہتے ہیں بہت تھوڑے لوگوں کے اندر ہوتی ہے. جو عبادت والے سچے مومن ہوتے ہیں, خدا کی شناخت والے ہوتے ہیں, خدا کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوتے, کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں, وہی لوگوں کے اندر ایسی ہمت ہوتی ہے کہ وہ سچائی کی بات کو سچ بات کہہ دے کسی کے منہ کے اوپر اور وہ ڈرتے نہیں. باقی سب لوگ لوگوں کی ہاں جی ہاں جی کر کے چپ رہ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے دار السلام کے اندر کچھ برس پہلے ایک غریب آدمی کا مکان کے اندر کوئی دوسرا آدمی گھس گیا. وہ بھی اسماعیلی وہ گھس گیا زبردستی, مگر چونکہ بڑے لوگوں کا مانیتا آدمی تھا اس کی سب نے ہاں ہاں کی, لیکن اس غریب یتیم کی کسی نے نہیں سنی. ابھی تک وہ اسی طرح سے ہے. وہ یتیم لڑکی بیچاری باہر گھومتی ہے اور اس کا کوئی والی وارث نہیں, اور وہ جو اندر زبردستی سے گھس گیا ہے وہ مزے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور سب بڑے لوگ اس کی ہاں جی ہاں کرتے ہیں. پیر نے فرمایا دنیا ایسی ہے. چلو بتا پیر نے لکھی ہے. پیر فرماتے ہیں
हम बहुत से गुनाह करते हैं, बहुत से गुनाह मौला हमें मुआफ करता है, लेकिन अमुक ऐसे गुनाह हैं जो मौला नहीं मुआफ करता। फरमाते हैं कर्म तो सर्वे उतरे, यानी पाप गुनाह माफ हो सकते हैं, लेकिन न उतरे पर निंदा ने आड़, दूसरे की निंदा करके उसको हम बदनाम करें, लोगों के अंदर वखोड़े उसको, उसको हल्का पाड़ देवे, फरमाते हैं वो नहीं उतरे, ये गुनाह माफ नहीं होएगा। कुरान शरीफ में फरमाया है कि जो आदमी गीबत करता है यानी निंदा करके किसी को दुनिया के अंदर बदनाम करता है, तो फरमाते हैं वो मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। दूसरी बात फरमाते हैं कि न उतरे आड़। आड़ क्या कहते हैं? किसी के ऊपर खोटा आरोप डाल देना। इसमें दो बातें हैं, एक निंदा, दूसरा आड़। आड़ कहते हैं किसी के ऊपर खोटा आरोप डालना, महापाप है। इसको फारसी, अपनी अरबी में, फारसी में, उर्दू में फितना कहते हैं। आड़, किसी के ऊपर एक्यूजेशन करना, खोटा आरोप लगा के उस आदमी को बर्बाद कर देना, इसको अरबी में पाक अल्लाह ने फितना कहा। और फरमाया अल्लाह ने अल फितना तो अशद्द मिन अल कत्ल, फितना जो है वो कत्ल करने से, खून करने से ज्यादा खराब है। तो इस पाठ में, इस लीची में दो बातें हैं। फरमाते हैं सब गुनाह माफ होंगे, लेकिन निंदा माफ नहीं होगी, किसी के ऊपर हमने आरोप लगाया वो माफ नहीं होएगा, पर गवन ना उतरे, दूसरे के साथ फरेब किया वो भी माफ नहीं होएगा। लेकिन गवन का एक और मतलब है, इंग्लिश में कहते हैं रेप करना, किसी स्त्री भाई के साथ जबरदस्ती रेप करना, वो भी माफ नहीं होता। न उतरे आप हत्या ने बाढ़, और आपघात का गुनाह भी नहीं उतरता, और इसी तरह से बाढ़ हत्या का गुनाह भी नहीं उतरता। बाढ़ हत्या क्या है? पुराने जमाने के अंदर लोग बहुत दफा अपने बच्चों को मार डालते थे। थोड़े दिन पहले पेपर के अंदर, डेली न्यूज में एक बात आई थी एक जगह की, कि एक औरत ने अपने बच्चे को मार डाला, धनी को जीतने के लिए कुछ केस था आपस में। अभी भी इंडिया के अंदर अब कैसे रिमोट प्लेसेस के अंदर काली देवी के ऊपर बच्चे की आहुति चढ़ाते हैं, तो छोटे बच्चे को कत्ल करके उसका लहू उधर लगाते हैं। पुराने जमाने में रसूलुल्लाह की नबूवत से पहले जो अरब लोग थे, वो छोकरी का जन्म हुए तो छोकरी को मार डालते थे। इसलिए मार डालते थे कि बड़ी होके जमाई बनाना ना पड़े हमको, क्योंकि जमाई के सामने गर्दन नीचे झुकानी पड़ती है, तो इसके लिए छोकरी को मार डालते थे। इसके अलावा ये भी है कि एक माँ बाप ने बच्चों को जन्म दिया और खुद शराब में के और मौज शौक में के दुनियादारी के अंदर पड़ रहे, और बच्चों की उन्होंने कोई ध्यान नहीं किया, उनकी परवरिश का, उनकी ट्रेनिंग का, उनकी एजुकेशन का, उनकी वेलबींग का, उनकी हेल्थ का उन्होंने ध्यान नहीं किया, तो ये भी गुनाह ऐसा अजीम है कि अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो देखो पीर ने इसके अंदर पांच गुनाह गिनाए हैं। एक तो निंदा का गुनाह, दूसरा किसी के ऊपर छोटा आरोप लगा देना, तीसरा रेप करना यानी बलात्कार करना जिसको कहते हैं, चौथा है आप हत्या करनी यानी सुसाइड करनी, और पांचवा बाल हत्या करनी। फिर फरमाते हैं ये पांच गुना कभी माफ नहीं होंगे। पांच हत्या पीर ने फरमाई है आपको मैंने बताई, फरमाया ये पापड़ी है, पाप पैदा करने वाली है। जिन सिर लखी निलाड़े आए, जिसके ऊपर ये चोट गई
तो वो चोट गई, ऐसी चोट गई कि फिर उसके अंजाम के सिवा और कोई छुटकारा ही नहीं। निलाड कहते हैं न मिट सके उसको, कर्मे लिखिया होवे निलाड। और भी गिनन के अंदर ऐसे पाठ हैं, यानी कर्म के अंदर हमने जो आमाल किए, अच्छे किए बुरे किए, तो फरमाया है उनका जो लिखा गया वो अंजाम भोगना ही पड़ेगा, वो मिटता नहीं। देख नित उठी गत में होए, ऐसा आदमी जिसने ये पाप किए हैं, निंदा करता है, बदगोई करता है, आठ पंपार चढ़ाता है, और फैन फतूर जो पीर ने फरमाया कि कोई वो आदमी दररोज जमा थाने में भी आएगा तो भी उस जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी, उसको अमर मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पाप माफ नहीं होते, इसलिए उसको इन पाप का गुना भोगना ही पड़ेगा हर सूरत, किसी कीमत पे ये गुना माफ नहीं करते। इंडिया में लिखी हुई है, गुरु सदर बिन बाबा की किताब है, इसके लिए उधर के हाल के हिसाब से हमें फरमाया। सतगुरु कह रहे जिस आदमी ने ये ऊपर के पाप किए, एक किया या दो किए या पांच किए, वो आदमी तप करे, बंदगी करे, तीर्थ करे, हज को जाए, और सारे युग में सारी दुनिया के अंदर जो अच्छी अच्छी स्थान है वहाँ जाए और सारी जिंदगी ऐसा करे, अने देता महाभोम दान, और वो अपनी जड़ जमीन की लोगों को खैर खैरात करे, फरमाया तो भी ऐसा करने पर भी ये जो पांच गुना है ये नहीं मिटेंगे। जो करे गंगा स्नान, फिर भले वो जाके गंगा के अंदर गुसल भी करे, हिंदू लोग बोलते हैं कितना भी महापाप होवे गंगा में स्नान करो तो पाक हो जाते हैं, मुसलमान जाते हैं जब हज को तो उधर यही समझते हैं हमारे सब गुना बख्शे गए। फिर हज करने के बाद मक्का के बाहर 3 माइल के ऊपर एक कुआं है, उस कुएं को रसूल पाक ने अपने हाथ से साफ करवाया था, और अपने हाथ में से पानी खींच के लोगों को हाजियों को पिलाते थे, उसका नाम है जमजम, वो चश्मा है एक किस्म का, तो वो पानी जमजम का पानी पवित्र पानी कहा गया। लोग सारी दुनिया के मुसलमान हाजी जब जाते हैं तो छोटी छोटी बोतलों के अंदर वो पानी अपने घरों से ले जाते हैं, कभी उस पानी से यानी जमजम से वो लोग नहाते नहीं, जैसे कि हम लोग न्याज से कभी नहाते नहीं, बेअदबी होती है, न्याज तो सिर्फ किया जाता है, लेकिन ये लोग हमारे हाजी भाई हैं वो लोग न्याज यानी वो आबे सफा जो है जमजम से लाई हुई वो पीते हैं, दाढ़ी को मलते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, घरों के चार कोनों में छांटते हैं, गुसल नहीं करते बेअदबी के कारण से। लेकिन फिर कहते हैं कि कभी उससे तुम गुसल भी करोगे, क्योंकि गंगा के पानी की तरह वो भी पवित्र पानी है, कभी तुम गुसल भी करोगे। भोम और का भोम कहते हैं जमीन को, जमीन का दान दोगे, पैसे का दान दोगे, तीर्थ करोगे, बंदगी करोगे, तो भी ये पांच गुना, निंदा का गुना, किसी के ऊपर खोटा आरोप दिया उसका गुना, बलात्कार करने का गुना, अपना जीव लेने का गुना, और बाल हत्या का गुना, ये पांच गुना बोला फर्क की फरमाते बोला कभी माफ नहीं करेगा।
فرماتے ہیں کہ یہ جو پانچ ہتیا ہیں یہ پرلوک سے یعنی عرش سے آسمان سے اس بات کے لیے فیصلہ ہو کے لکھی ہوئی ہے، یعنی مطلب کہ یہ لو بن چکا ہوا ہے، وہ فاٹے پن فیٹے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی پن کے کارن سے تھوڑی ڈھیل میں پڑ جاوے، تھوڑا ٹائم لیٹ ہو جاوے، لیکن چھٹکارا نہیں ہوئے گا۔ تے بھگوانی چھوٹے، اس کو چھٹکارا تبھی ملے گا جب تلک کہ اس کی سزا پنشمنٹ بھوگ نہیں لے لے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ہتیا پانچ گناہ کا دکھ کسی بھی طریقے سے، بندگی سے، دان پن سے، عبادت سے، خیر خیرات سے، حج یاترا گنگا کے اندر نہانے سے، یہ چیز واپس نہیں لے گی۔ یہ پانچ کے گناہ ہم کو بھوگنے پڑیں گے۔ یہ عرش میں سے مطلب یہ ہے کہ یہ پانچ ہتیا پانچ گناہ کا دکھ کسی بھی طریقے سے، بندگی سے، دان پن سے، عبادت سے، خیر خیرات سے، حج یاترا گنگا کے اندر نہانے سے، یہ چیز واپس نہیں لے گی۔ یہ پانچ کے گناہ ہم کو بھوگنے پڑیں گے۔ یہ عرش میں سے لو بن کے آیا ہوا ہے، لو قلم کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کا کہانی یہ مٹ نہیں سکے گا۔ مولا ہم سب کو یہ پانچ گناہوں سے بچا لیں۔ ادھو گتے کا مطلب کہ جس کی گتی نہ ہوئے، اس کا دوسرا مطلب کم نصیبی بھی ہے۔ اگر ہماری گتی یعنی مکتی ہو گئی ہوتی تو پھر ہمیں دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم آج دنیا میں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ہم ناپاس ہو کے آئے ہیں، یہ ادھو گتی ہے۔ تو ہماری گتی مکتی نہ ہوئی تب تو جیو اس دنیا میں تو آیا، અને પડ્યો તે ચારે ખાન ઓર તું લક્ષ ચોરાસી કે ફેરે મેં પડા તે અધૂરો ઈંડો ગલ્યો કે તો એસા હુઆ યહાં ફિર એક દલીલ દેતે હૈ એક્ઝામ્પલ દેતે હૈ કે જૈસા એક કોઈ ભી જાનવર કા ઈંડા હૈ ઉસકે અમુક ખુદા તાલા ને દિન નકી કિયે હૈ કે ઇતને દિન કે અંદર વો અંડા જો હૈ વો પકે વો જાનવર ઉસ ઈંડે કે ઉપર ગરમી દેને કે લિયે ઉસકો દેતે હૈ تو پھر امک ٹائم کے اندر اندر سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور انڈا توڑ کے جب باہر آتا ہے تو اس کو سورج کی روشنی ملتی ہے۔ اس کی مثال یہ دی ہے اس طرح کہ ہمارا جو جیو ہے وہ لکھ چوراسی کے اندر ناپاس ہو کے اترتا آیا، یعنی ہمارا جیو ایک ادھورے انڈے کی طرح ہے کہ جس میں سے پورے دن نہیں ہونے سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی ہوا تو مرا ہوا ہوئے گا۔ تو فرماتے ہیں وہ اگیو بھان یعنی سورج کی روشنی اس آدمی کو نہیں ملے گی جو جیو عبادت بندگی کر کے اور یہ پانچ کراس کر کے، پانچ ہتیا سے اپنے آپ کو بچا کے، دوسرے گناہوں وغیرہ سے بچ کے، مولا کے حضور میں توبہ کر کے، نیک اعمال کر کے، اچھی پوتر لائف گزار کے، یعنی جیو کے وہ انڈا، ہمارا جو باڈی ہے یہ قسم کا انڈا ہے جس کے اندر جیو پھنسا ہوا ہے، تو جب یہ باڈی ٹوٹ جائے گی ہمارا جیو فری ہو جائے گا اور پورے دنوں سے یعنی شکتی اور طاقت سے نکلے گا تو اس کو سورج یعنی مولانا حضرت امام کے نور کی روشنی ملے گی۔
जन्म अंधो जींग तू रहे हो, है जी जन्म जन्म से तेरी अंतकरण की बाचुनी आंखें अंधी हैं, तेरे को सच्ची हकीकत सूझती नहीं। और तूने उस ज्योत को, नूर को तुमने भुला दिया, विसर दिया, तुम विसर गए हो अपनी असलियत को। पापी से ब्राह्मण ने पंख वे, दुनिया के अंदर जो गुनेगार हैं वो सीधे सीधे खुदा की याचना और बंदगी नहीं करते, लेकिन मुल्ला मौलवियों ब्राह्मणों के पीछे लग गए, उनकी जूतियां उठाते हैं, पांव पड़ते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो फरमाया है कि वो ब्राह्मण क्या करेगा, वो मुल्ला मौलवी क्या करेगा, वो खुद सार आसार नहीं जानता। यानी वो भी सच्चाई और जो झूठपना है, बदी बुराई जिसको शर और नेकी कहते हैं, उसको खुद को पता नहीं, तो तुम्हारी राह क्या बता सकेगा, तुम्हारा हाथ किस तरह से पकड़ सकेगा। यानी तुम झूठे लोगों के पीछे, खोटे गुरुओं के पीछे, जो ऐसे जो बन बैठे हुए हैं मक्कार किस्म के पीर मुर्शद हैं, फरमाया उनको तुम छोड़ो, सच्चे मौला की दामन पकड़ो, तो तुम्हारा पार निस्तारा हो सके। पचास हजार अवतार भोग के हे जीव, तू इस दुनिया में आया और तेरे को आज मौला ने मनखा अवतार दिया, फिर भी तेरे सिर के ऊपर सतपंथ नहीं लगा। यानी फिर भी तुमने सतपंथ की, धर्म मजहब की जो दरकार न की, तो ये तो ऐसा हुआ कि उनाड़े के अंदर जो मी है वो उठ गया। एक तो गर्मी और फिर बारिश भी ना हो रहे, तो मतलब उसका तो ये है कि अनाज तो जल जाएगा, जमीन जल जाएगी, घास जल जाएगा। मतलब ये है कि एक आदमी जो पाप करके इस दुनिया के अंदर आया और उसने कोई नेकी नहीं की कि जिसकी वजह से रहमत की बारिश उतरे, तो उसका हाल तो ऐसा होगा कि गर्मी भी सख्त पड़ी और बरसात का भी काल पड़ गया, तो वो मुल्क, वो धरती बर्बाद हो जाती है। इसी तरह से ऐसे आदमी का जीव बर्बाद हो जाता है। और एग्जाम्पल देते हैं मुर्शिद, फरमाते हैं कि गांव के अंदर घरों का पानी जब निकलता है तो वो नदी नाले में, छोटी छोटी नालियों के अंदर, खाड़े खबोचियों में जाता है, और वो बहता बहता एक बड़ी नहर में जाता है। वो नहर जो है गटर के साथ मिलके, नहर के साथ मिलके ये सारा गंदा पानी गंगा में चले जाता है। तो गंगा के अंदर जब ये गंदा पानी जाता है तो पाक हो जाता है। गंगा नदी बहुत लंबी है, हिमालय पर्वत से लेके तो कलकत्ता तक 3,500-4,000 माइल। तो इस नदी के आजू बाजू में दोनों किनारों के ऊपर बहुत से गांव हैं, बहुत से गांव हैं, ढोर डंगर हैं, गायें भैंसे अंदर न आती हैं वो भी मूत्र कर देती हैं, दूसरे जानवर के हैं अकेले मूत्रते हैं, घरों के चाकू पानी, गटर वगैरह का पानी वो भी गंगा में मिलता है, तो भी गंगा पाक है।
हिंदू ऐसा समझते हैं। तो फिर उसमें से एक एग्जांपल दाखला रूप कहते हैं कि जिस तरह नगर के अंदर ठाड़ा खबोचिया जाई भले गंगा माहे, पापी एनी पेरे पावन खाए जो जाई मड़े सत धर्म माए। इस तरह से तुम अगर गुनाह भी करोगे तो कभी सत धर्म के अंदर आके तुम मिल जाओगे, तलीन हो जाओगे, उसकी लय के अंदर मस्त हो जाओगे, तो तुम पाक हो जाओगे। लेकिन वो पांच गुना करने वाले नहीं, वो पांच के उपरांत दूसरे हमारे जो गुना होते हैं वो बख्शे जाते हैं। और गत गंगा में आने से, गत को गंगा कहा, जमात खाने में आने से, धर्म कर्म करने से, इबादत करने से, तौबा मांगने से, दुआ पढ़ने से हमारे गुना माफ होते हैं और हमारा अंतकरण, हमारा बाथरूम जो है वो पाक हो जाता है। दलीलें, बहुत सी लॉजिक, बहुत सी एग्जाम्पल, बहुत सी चीजों की सरकार ने फरमाई है कि किसी एक को भी कभी कोई मोमन समझ जावे तो सुधर जावे। फरमाती है, रंग पतंग तो कुरंग है, पतंग का जो रंग है वो अच्छा रंग नहीं, कुरंग वो रंग के जो उड़ जावे, वो रंग जो खराब हो जावे, जो फेड हो जावे। तो फरमाते हैं जो पतंग का रंग है, पतंग पतंगिये को भी कहते हैं, पतंग एक जात के झाड़ के पंजरे को भी कहते हैं। तो पतंग का जो रंग है यानी उस झाड़ के पंजरे, उसको कुसुम्बा भी कहते हैं, वो रंग से कपड़े कभी रंगो तो थोड़े टाइम के बाद वो रंग उड़ जाएगा, फेड हो जाएगा और कपड़ा उल्टेगा, खराब नजर आएगा। ऐसा दुनिया का रंग है कि दुनिया का जो रंग है वो टिकता नहीं, न जवानी टिकती है, न शरीर की ताकत टिकती है, न पैसा टिकता है, न आदमी की कुर्सी टिकती है। ओहदा, ओहदा भी क्या है, दो बरस, चार बरस, पांच बरस, न ओहदा टिकता है, न जवानी टिकती है, न शरीर की ताकत टिकती है, न पैसा टिकता है। जितनी भी चीजें हमारी दुनिया के प्रदर्शन में हैं वो सब टेम्परेरी है, वो टिकने वाली नहीं, वो ऐसा रंग है कि जो उड़ जाएगा। मगर फरमाया, पन सतपंच चोण मजीठ है, मजीठे का जो रंग होता है वो पक्का रंग होता है। मजीठा भी एक किस्म की वनस्पति है, उसके अंदर जब कपड़े को रंगा जाता है तो कपड़ा एकदम फट जाए मगर रंग निकलता नहीं। तो फिर फरमाते हैं सतपंच का रंग ऐसा है, एक दफा चढ़ जावे फिर वो रंग नहीं निकलता। भाई बाकी रंग पतंग है, सतपंच के सिवा बाकी जितने रंग जो है वो सब खोटे हैं। मतलब कि तुम दुनिया का प्रेम मोहब्बत करोगे, थोड़े टाइम के बाद वो उड़ जाएगा, तुम्हारा यार दोस्त दगा पटका करेगा, तुम्हारी जवानी चली जाएगी, तुम्हारी संपत्ति चली जाएगी, बूढ़े हो जाओगे, शरीर की ताकत भी भाग जाएगी। एक आदमी बहुत नामचीन होता है तो वो जब ओहदे से उठ जाता है उसको तो पूछता तक नहीं। लेकिन सतपंच का रंग, मजहब की मोहब्बत, हजर इमाम की प्रेम, इबादत, बंदगी जब दिल में लग जाती है तो वो एक ऐसी चीज है कि ये जिंदगी तो ठीक मगर उस जिंदगी के अंदर भी वो रंग निकलता नहीं और इंसान हमेशा अमर होता है। कह रहे तुम्हें रंग रगावो सांच सो,
कि तुम यहाँ रंग का मतलब है मजा करना, रंग का मतलब है मौज करना, तुम सच्ची मौज मनाओ, तुम सच्चा मजा उठाओ। अने जैसो पटोले ढंग, जिस तरह से पटोले के ऊपर रेशम के कपड़े के ऊपर जरी की भरत निकालते हैं बनारस के अंदर और कश्मीर के अंदर, ये आर्ट बहुत है वहाँ। जब वो भरत निकालते हैं उसमें तो वो ऐसी मजबूत पक्की होती है, तो फिर कहते हैं ते जड़े बड़े गड़े टुकड़ा हो जाए, वो बिगड़ जाए, पुरानी हो जाए, टुकड़े हो जाए, कपड़ा फट जाए, लेकिन उसका जो भरत का वो जो आर्ट का काम किया हुआ है वो बिगड़ता नहीं। तो फिर फरमाया है इसी तरह से तुम अपना आप को अपने जीवन की मजा मजहब के अंदर, इबादत में, नेकी में, हज़र इमाम की ताबेदारी में, हज़र इमाम के प्रेम के अंदर मस्त रहोगे तो ये ऐसा रंग है कि तुम जवान रहोगे, बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे तो भी वो रंग मिटने वाला नहीं। कह रहे बाना पेने बापड़ा अने युग जाने ए मिंट, ते पापी खाए पीवे पिंड पोता तने ते न करे जीवनी चिंच। बाना कहते हैं कपड़े को, यानी वो ऐसे कपड़े पहनता है, बापड़े का मतलब इज्जत का नाम दिया है कि वो अपनी आबरू टिकाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा करता है, लोगों के अंदर उसका मान तान होवे। अने युग जाने ए मिंच, लोग समझते हैं ये हमारा दोस्त है, इसके पास जाएंगे हमारे काम आएगा, हमारी मदद करेगा, ठाठ माठ है उसका आदिम, लोग सलाम करते हैं, आते जाते हैं, चाय पानी चलता है, खूब उसकी इज्जत मान है, लोग उसको अपना यार दोस्त समझते हैं। ते पापी खाए पीवे पिंड पोता तने, मगर वो सब कुछ जो कुछ भी करता है वो स्वार्थ वृत्ति से करता है, अपने लिए करता है, तुम्हारे लिए नहीं करता। ते न करे जीवनी चिंत, उसको अपने जीव की भी फिक्र नहीं है तो तुम्हारी फिक्र क्या करेगा। मतलब कि जो आदमी दुनिया के अंदर मौज शौक में पड़ा है और दुनिया की मौज शौक के कपड़े पहन के जीवन गुजार के ठाठ मार करता है, मोटर बंगला खाना पीना ऐश आराम, लोगों को बुलाना, उनके साथ मिलना, म्यूजिक पार्टियां, ये सब चीजों के अंदर ऐसा पड़ गया, मस्त हो गया, आखिर भूल गया। फरमाया ऐसे आदमी की संगत तुम करोगे वो तुम्हारा दोस्त नहीं बनेगा। दुनिया ऐसी है। कह रहे सत्य का बाना पहनिए, तुमको कपड़े पहनने हैं धर्म के, सच्चाई के कपड़े पहनो। अने अंतर लहे लगाए अपने अंतकरण में, मुंह से लोगों को दिखाने के लिए नहीं, मन के अंदर मौला की लहे लगाओ, उससे प्रेम लगाओ, उससे दिल बांधो। सासु सास से एम जपिए जीव काने सूरत न जाए, इस तरह सासु सास तुम्हारा सांस बाहर निकले, तुम्हारा सांस अंदर जाए। फरमाया कि तुम सांस लो और सांस निकालो, हर वक्त मौला को याद करते रहो, इस तरह से उसका याद करो, जाप करो, जिक्र करो कि तुम्हारे खुद के कान जो है ना वहां तक भी आवाज ना जावे,
इस तरह अपने मन के अंदर मौला को याद करो। मौलाना हजरत इमाम का एक फरमान है, बैतुल ख्याल वालों को फरमाया कि सुबह की बैतुल ख्याल की बंदगी के अलावा आखा दिन तुम अपने आप को अल्लाह के साथ मिला के रखो, उसकी याद में मशगूल रखो, सारा दिन तुम उसकी मस्ती में रहो, सारा दिन कोई भी तुम उसका नाम का जिक्र करते रहो, या अल्लाह कहो, या वहाब कहो, या अली कहो, या मोहम्मद कहो, सलवात पढ़ो, कुछ भी कहो, उसके हजारों नाम हैं। यानी मतलब कि तुम सारा दिन हिल चाल करते करते, कामकाज करते करते भी तुम्हारा जो मन अंतकरण है वो मौला की याद के अंदर रहे। ये कहते हैं ये कपड़े तुम पहनो, ऐसा लिबास पहनो कि जो तुमको रूहानियत के अंदर ऊंचा उठाए। मोमिनो, 17 पाठ आज हमने किए और अल्हम्दुलिल्लाह 50 पाठ पूरे।